हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चेकमेट ट्रेड्स। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आज हम बात कर रहे हैं ऑन 25th ऑफ जून ईयर 2021। सो आज का ये जो वीडियो है बहुत क्रूशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स, बट इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर एज वेल। दीज प्राइस प्रिंसिपल्स आर सुपर कॉन्स्टेंट, दीज आर नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल, जिसकी मैं हमेशा बात करता रहता हूँ। और ये सारे प्राइस प्रिंसिपल किसी टाइम फ्रेम के मोहताज नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ यू बीइंग अ स्कैल्पर, इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, इन्वेस्टर। ये जो सारे प्राइस प्रिंसिपल्स है, दे विल स्टे सुपर कॉन्स्टेंट एंड आर रिलायबल ऑन एवरी पॉसिबल टाइम फ्रेम। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिए स्टार्ट टू एंड, एंड दिस वीडियो इज दी ऑल्सो बिगिनिंग ऑफ माई प्री प्लान्ड इनिशिएटिव, जिसमें मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आई विल कम एंड आई विल मेक अ सीरीज ऑफ वीडियोज इन विच आई विल टेल यू एवरी पॉसिबल प्राइस प्रिंसिपल विच इज रेलेवेंट टू इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, सो इंट्राडे ट्रेडर्स को फोकस करते हुए आई एम गोइंग टू मेक दिस सीरीज एंड आई एम गोइंग टू टेल यू सुपर कॉन्स्टेंट प्राइस प्रिंसिपल, किस तरह से टू डे रिलेशनशिप ऑफ अ सीपीआर, ऑफ अ फ्लोर पिवोट, टू डे रिलेशनशिप ऑफ अ कैमरेला, जिसकी आज तक किसी ने बात नहीं की है, वो सारे प्राइस प्रिंसिपल्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सो क्विकली लेट्स गो एंड सी कि आज के इस एजेंडा में क्या है इस वीडियो के। तो सबसे पहले एक क्विक ओवरव्यू करेंगे ऑफ द न्यू, द लेटेस्ट इंडिकेटर दैट वी हैव डिजाइंड एंड दैट इज विद द नेम ऑफ चेकमेट ट्रेड्स फ्यूचर पिवोट इंडिकेटर। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, सो प्लीज इस लिंक को आप विजिट कीजिए, ऐड दिस इंडिकेटर टू योर फेवरेट्स एंड यूज दिस इंडिकेटर। एक क्विक ओवरव्यू, इस इंडिकेटर को लेकर आप डेली पिवोट्स, वीकली पिवोट्स, मंथली पिवोट्स एज वेल एज ईयरली पिवोट, सो दिस इज वन ऑफ अ काइंड इंडिकेटर। आज तक ऐसा कोई इंडिकेटर यू वोंट फाइंड सच अ स्टडी बीन कंपाइल्ड इन टू वन एनीवेयर इन ट्रेडिंग व्यू। सो इस एक इंडिकेटर को लेकर आप एसएमएस को प्लॉट कर सकते हो, डेली, वीकली, मंथली एज वेल एज ईयरली पिवोट्स को भी आप आसानी से प्लॉट कर सकते हो। बहुत ही यूजर फ्रेंडली यूआई है, बहुत ही इजी टू यूज है एंड इट इज कम्प्लीटली टेस्टेड वेल एंड इट्स कम्प्लीटली बग फ्री, सो यू विल डेफिनेटली लव इट। सो प्लीज यूज दिस इंडिकेटर फॉर यूर फ्यूचर ट्रेडिंग जर्नी विथ रिस्पेक्ट टू पिवोट्स। उसी के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको कहा, वी विल स्टार्ट विद द एपिसोड नंबर वन। आज के इस एपिसोड में हम मास्टरी हासिल करेंगे टू प्ले असेंडिंग सीपीआर, हायर सीपीआर पैटर्न्स, और उसके अंदर के जो जो स्मॉल प्रिंसिपल्स है, एंट्रीज है, एग्जिट्स है, टारगेट्स है, उन हर चीज के बारे में बात करेंगे। और इसी हायर सीपीआर को लेकर आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो हमने ट्रेड किया है, वो सारे शेयर ट्रेड्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आज के इंडेक्स, दिस इज अ न्यू इनिशिएटिव एज वेल, एडिशनल इनिशिएटिव इन विच मैं इंडेक्स के रोज के जो पांच बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है उनके बारे में बात करूंगा। बहुत जरूरी है, आई मीन आई एम नॉट अ वेरी गुड रीडर, तो मैंने ऑलमोस्ट आधी किताब पढ़ी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडिंग, अनफॉर्चुनेटली, विच इज आई मीन डजेंट मेक मी लुक गुड, बट आई हेट रीडिंग बुक्स। द बेस्ट वे दैट यू कुड इम्प्लीमेंट, बहुत सारे यूट्यूब ट्रेडर्स वीडियोज बनाते हैं द बेस्ट फाइव बुक्स, ट्रेडिंग बुक्स दैट यू शुड रीड और 10 ट्रेडिंग बुक्स यू शुड रीड, बट मेरा जो साइकोलॉजी है, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है टूवर्ड्स लाइफ इन जनरल एंड टूवर्ड्स एनी प्रोफेशन एज वेल इज टू बी प्रैक्टिकल। तो आज के जो पांच मोस्ट बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है, अगर आप हर डेली बेसिस के ऊपर उस पे आधा घंटा भी रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि आज ये स्टॉक ने क्यों रैली दी है, ये अप ट्रेंडिंग मूव या फिर डाउन ट्रेंडिंग मूव क्यों आया है, व्हाट इज द सीपीआर प्लेसमेंट, व्हाट इज द फ्लोर पिवोट प्लेसमेंट, व्हाट इज द कैमरेला प्लेसमेंट, हाउ हैज द प्राइस रिएक्टेड टू इट, तो आपको उस पैटर्न्स को रिक्रिएट करना इज वेरी इजी एंड द नॉलेज दैट यू विल गेन वो मतलब आई मीन यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनी वन एल्स, यू कैन बी अ मास्टर ऑफ योर ओन। सो उसी के साथ साथ ये सारे टॉपिक्स हैं और हम क्विकली इस वीडियो को शुरुआत करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। ओके, सो अ क्विक इंट्रोडक्शन, सो सिग्निफिकेंस ऑफ पिवोट लेवल्स। ओके, पिवोट लेवल्स क्यों सिग्निफिकेंट है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो भी सारे ये फॉर्मूलाज जो आप देख रहे हो, सो इफ इवन इफ यू टेक द फॉर्मूला ऑफ द पिवोट, द बेस, जो सीपीआर के बीच का जो लेवल है, जो पिवोट है, आई कॉल इट द इक्विलिब्रियम ऑफ द मार्केट एंड द रीजन इज, इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं, बैलेंस लेवल है मार्केट का,
क्योंकि इस लेवल के ऊपर बायर्स को बाय करने में भी कंफर्ट है. अकॉर्डिंग टू देम द स्टॉक इज नॉट एक्सपेंसिव, अकॉर्डिंग टू देम द प्राइस इज गुड एंड द स्टॉक इज चीप. देयरफॉर द बायर्स आर ऑल्सो कीन टू बाय एट दिस लेवल्स. एट द सेम टाइम सेलर्स के लिए भी ये पर्टिकुलर लेवल इज कंफर्टेबल टू बुक देयर प्रॉफिट्स और शॉर्ट द स्टॉक. सो ये जो पर्टिकुलर पिवोट है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइस एक्शन दैट हैज बीन यू नो जो क्रिएट हुआ है इन द प्रीवियस डे. जब हम डेली पिवोट्स की बात कर रहे हैं तब, अगर आप वीकली पिवोट्स की बात करोगे तो जो पिवोट बनेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन दैट हैज हैपेंड इन द लास्ट कंप्लीट वीक. मंथली पिवोट लेवल की बात करोगे तो इट विल बी अ प्राइस एक्शन दैट हैज हैपेंड इन द कंप्लीट मंथ. ओके, प्रीवियस मंथ में जो भी प्राइस एक्शन हुआ है उसका हाई प्लस उसका लो प्लस प्रीवियस मंथ की जो क्लोजिंग है, व्हेन यू डिवाइड दैट बाय 3 यू विल गेट द करंट मंथ पिवोट लेवल. सो जिसका सिग्निफिकेंस बढ़ते जाता है, रेलेवेंस बढ़ते जाता है, उसकी जो सर्टेनिटी है, उसकी जो स्टेबिलिटी है, जो आप जितना रिलायबल आप हो सकते हो हायर पिवोट्स के ऊपर, दैट इज अमेजिंग. इमेजिन कि इस ईयर का जो पिवोट लेवल है किसी भी स्टॉक का, इंडेक्स का, इमेजिन हाउ अमेजिंगली, हाउ ब्यूटिफुली द प्राइस विल रिएक्ट टू इट. सो आपको ये प्राइस प्रिंसिपल एक बार जान लेना है किसी एक टाइम फ्रेम के ऊपर, एंड देन यू कैन कीप रेप्लिकेटिंग इट डिपेंडिंग ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल ऑन डिफरेंट यू नो वीकली पिवोट और अ मंथली पिवोट फॉर स्विंग ट्रेडिंग, ऑन अ ईयरली पिवोट फॉर इन्वेस्टिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग. सो इट्स सुपर इम्पॉर्टेंट. पिवोट्स इज द वे टू गो. इट इज अ ट्रेंड डिफाइनिंग इंडिकेटर. सो जैसे कि ऑसिलेटर्स होते हैं, तो देर आर वेरी लेस इंडिकेटर्स विच आर एज रिलायबल एज पिवोट्स देमसेल्व्स आर. तो इसकी स्टडी को हम डेफिनेटली यू नो बहुत साइंटिफिकली समझेंगे और बहुत सारे बैक टेस्टिंग, विच इज माई स्टाइल. हर चीज को बैक टेस्ट करना है. अगर यू नो अगर 10% के ऊपर भी फेल, मैं प्रोबेबिलिटी विनिंग रेशियो पे फोकस नहीं करता हूँ, मैं लूजिंग रेशियो पे फोकस करता हूँ. अगर कोई स्ट्रैटेजी, कोई पैटर्न अगर यू नो 10 में से 3-4 बार भी अगर फेल हो जाती है, देन यू शुड स्टे अवे फ्रॉम इट. ओके, सो दैट्स नॉट रिलायबल टू इट. यू नीड द पैटर्न दैट इज सुपर कॉन्स्टेंट, एंड दैट्स वाई आई कीप सेइंग यू हैव टू रिलाय. जो अनसर्टेनिटी है मार्केट में, इन दिस अनसर्टेनिटी यू हैव टू रिलाय ऑन सर्टन प्राइस प्रिंसिपल्स दैट आर सुपर कॉन्स्टेंट एंड विच आर नेवर गोइंग टू चेंज. सो अगेन, बिकॉज दिस इज द इनिशिएशन ऑफ द सीरीज एंड यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें आप सीखोगे, लेकिन जो बेस है, जो जो पिलर है हमारे स्टडी का, दैट इज ऑन दिस वन स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट दैट डिफाइंस द यू नो द होल एक्सट्रैक्ट ऑफ माय ट्रेडिंग जर्नी ऑफ वॉट एवर आई हैव रिसर्च आई हैव डन अंटिल नाउ. एंड दैट इज बाय एट द सपोर्ट इन एन अप ट्रेंडिंग स्टॉक एंड सेल एट द रेजिस्टेंस इन अ डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक. सो भले आप इसको बहुत हजारों बार सुन रहे हो, लाखों बार सुनिए, बिकॉज जब ट्रेड मार्केट जब ओपन होता है 9:15 बजे और जब रेड और ग्रीन कैंडल्स बनने लगती है, तब आपकी सारी साइकोलॉजी निकल जाती है. इट गोज समवेयर एल्स. यू आर देन आप एक एक यू नो यू आर ऑल कंफ्यूज्ड एंड यू आर टेकिंग रैंडम थिंग्स. इट्स जस्ट प्लेइंग अप विथ यू. यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर. अगर आज भी मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर इंट्राडे ट्रेड लिया है, बट देयर कुड हैव बीन अ बेटर एंट्री आई वुड हैव टेकन, which my swing trader club has taken 3 days back and they have made immense profits. Aur wo entry maine update ki thi. But I'm telling you, if you could buy a stock at a support, an uptrend, very important, an uptrending stock, if you can buy at the support, there is nothing like it. Aapka risk reward ratio automatically perfect ho jayega. आपके प्रॉफिट टारगेट्स ऑटोमेटिकली यू नो 3 times 4 times हायर हो जाएंगे. आपका कन्विक्शन टू स्टे इन द ट्रेड, जो रिलीफ आपको मिलेगी, दैट विल बी सम अनदर लेवल. सो ऑलवेज इन एन अप ट्रेंडिंग स्टॉक यू शुड बाय एट द सपोर्ट. अब आप पूछोगे सपोर्ट क्या है. सपोर्ट है CPR और सपोर्ट है S1. अगर CPR इज एन अल्टीमेट सपोर्ट, अगर CPR भी ब्रेक होता है प्राइस, देन प्राइज अप ट्रेंडिंग स्टॉक हमेशा S1 पिवोट लेवल पे सपोर्ट लेगा. ओके, सो दैट विल डिफाइन इट बींग एन अप ट्रेंड. अगर S1 पिवोट लेवल ब्रेक हो गया, मतलब स्टॉक अप ट्रेंड में नहीं है. यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दो स्टॉक्स. सो रिमेंबर दिस स्टेटमेंट. डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में यू हैव टू सेल, यू हैव टू कीप सेलिंग, यू हैव टू कीप सेलिंग एट द रेजिस्टेंस. मतलब आप क्या कर रहे हो, आप टॉप पे बेच रहे हो. वेन एवर यू आर सेलिंग एट द रेजिस्टेंस, यू आर सेलिंग द डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक एट द CPR और यू आर सेलिंग द डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक एट द R1 पिवोट लेवल.
तो ये दोनों चीजें आप याद रखिए, चार्ट्स के ऊपर ये सारी बातें बहुत क्लियर हो जाएगी। मे बी दिस स्टेटमेंट इज नॉट मेकिंग इनफ इम्पैक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई एम रिवीलिंग इट टू यू, बट यू विल गेट गूज बम्स व्हेन यू विल सी दिस बीइंग बैक टेस्टेड अगेन एंड अगेन। दिस प्रिंसिपल डज नॉट चेंज, जस्ट लाइक एनी अदर प्रिंसिपल यू विल गेट टू लर्न इन द चेकमेट ट्रेड्स यूट्यूब चैनल। सो तो लेट्स डू अ क्विक ओवरव्यू ऑफ अ थियरी। यू कैन पॉज द वीडियो, गो थ्रू द थियरी एज वेल, बट द बेसिक थिंग इज अबाउ स्टेटमेंट अलोन इज इनफ टू मेक मिलियंस इन मार्केट एंड फिट्स परफेक्टली इन बोथ स्विंग और इंटर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सेकेंड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, फ्रॉम टूडे यू विल ओनली एंटर एंड एग्जिट द ट्रेड अराउंड दीज पिवोट लेवल्स एंड अननोइंगली स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट नॉइज। ठीक है, अप ट्रेंडिंग स्टॉक हर 1-2 मिनट में क्या कर रहा है, यू डोंट हैव टू कीप ट्रैक ऑफ इट। यू बाय एन अप ट्रेंडिंग स्टॉक एट द सपोर्ट, पुट योर स्टॉप लॉस विद यू नो द स्टॉप लॉस विल बी वेरी क्लोज, बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा, बहुत कम रिस्क होगी, बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा, बहुत बड़ा टारगेट होगा। सो दैट विल इवेंचुअली हैपन। एट द सेम टाइम इन एन अप ट्रेंडिंग स्टॉक, अगर प्राइस सही में अप ट्रेंड में है, अगर स्टॉक, अगर इंडेक्स अप ट्रेंड में है, तो वो कभी जरूरत नहीं करेगा कि वो S2, S3, S4 पिवोट लेवल्स को, CPR के नीचे S1, S2, S3 होते हैं। अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो वो कभी S1 पिवोट लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, और इसलिए S2, S3, S4 पिवोट लेवल्स प्लॉट करने की भी जरूरत नहीं है। एंड दैट इज वन ऑफ द की रीजंस कि मैं वीकली पिवोट लेवल्स की स्टडी हो, ईयरली पिवोट लेवल की स्टडी हो, या फिर मंथली पिवोट लेवल्स की स्टडी हो, मैं कभी S2, S3, S4 और R2, R3, R4 प्लॉट भी नहीं करता। दे आर कंप्लीटली इररिलेवेंट, क्योंकि जब भी आप स्विंग की बात कर रहे हो, व्हेन यू द मोमेंट यू गो टू वीकली पिवोट्स, मंथली पिवोट्स, ईयरली पिवोट्स, देन यू आर अ स्विंग ट्रेडर। यू आर गोइंग टू टेक अ स्टॉक, बाय द अप ट्रेंडिंग स्टॉक एट द सपोर्ट एंड कीप राइडिंग द बुल रैली अपवर्ड्स। ओके, तो सपोर्ट हमारा S1 है, सो यू हैव टू बाय एट द सपोर्ट ऑलवेज। और जैसे ही S1 पिवोट लेवल ब्रेक हो जाता है, मतलब अपना स्विंग जो है वो एंड हो चुका है। स्विंग हैज बॉर्न एट S1 पिवोट लेवल एंड द स्विंग विल डाई व्हेन द S1 पिवोट लेवल इज ब्रोकन। सो दैट्स व्हाट इज द DNA ऑफ अ स्विंग। देर आर मोर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्विंग, बट मे बी आई यू नो रिकॉर्ड अ सेपरेट वीडियो अबाउट इट। दिस इज अ वेरी बेसिक स्टडी, बहुत ही बेसिक, बहुत ही जूनियर KG लेवल की स्टडी है, बट इट विल डू वंडर्स। ओके, रॉकेट साइंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एंड वी आर प्राइज एक्शन ट्रेडर्स, और प्राइज एक्शन कैसे रिएक्ट कर रही है ऑन दिस फ्लोर पिवोट्स, अगर आपने इसे मास्टरी कर ली, देन देर इज जस्ट विनिंग इन फ्यूचर, देर इज नो लूजिंग फॉर यू गाइज। उसी के साथ साथ, सो एवरी स्टेटमेंट, एवरी प्रिंसिपल इज प्योर गोल्ड। यू हैव टू लिसन टू इट केयरफुली एंड बैक टेस्टेड बाई योर सेल्फ। आई डू इनफ बैक टेस्टिंग टू प्रूव वॉट एवर आई एम सेइंग इज सुपर कॉन्स्टेंट एंड इट वर्क्स इन द मार्केट। ओके, आई डू माई जॉब, बट यू हैव टू डू योर स्टडी योर सेल्फ। सिमिलरली इन अ डाउन ट्रेंडिंग, प्राइस वोंट इवन टेस्ट R2, R3, R4 पिवोट लेवल। अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो वो R1 पिवोट लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर भी नहीं सकता। उसे R1 पिवोट लेवल इज द अल्टीमेट रेजिस्टेंस, इट विल कीप पुशिंग द स्टॉक डाउनवर्ड्स हैविली। सो इसलिए R2, R3, R4 कंप्लीटली इररिलेवेंट है। ओके, नेक्स्ट इज इफ द बेसिकली देर आर टू स्टेटमेंट्स, इफ यू कैन मास्टर दीज टू स्टेटमेंट्स। ओके, आई एम हाईलाइटिंग इट इन रेड, बट दीज टू स्टेटमेंट्स आर क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू कैन अचीव दिस, जस्ट दिस, ओके, देर इज नथिंग एल्स यू नीड टू नो टू बी अ सक्सेसफुल इंट्राडे और अ स्विंग ट्रेडर। सो इफ अ मार्केट इज ट्रेंडिंग हायर, अगर मार्केट हायर ट्रेंड कर रहा है, 3, 4, 5 दिन तक असेंडिंग CPRs बन रहे हैं, अगर इन 5 दिनों में किसी एक दिन भी इफ द CPR इज ब्रोकन एंड द S1 पिवोट लेवल इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, वहां पे आपको कोई रिवर्सल पैटर्न दिखाई दिया कैंडल स्टिक का ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम, और इफ यू वॉन्ट टू बी मोर रिलायबल देन यू कैन गो ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, देन यू शुड मेक एन अटेम्प्ट टू बाय एट द S1 पिवोट लेवल टू राइड द बुल रैली। आई विल शो यू द बिगेस्ट बुल रैलीज दैट वी प्रोबेबली मस्ट हैव मिस्ड इन अक्टूबर नवंबर लास्ट ईयर, बट दीज वेयर ऑल बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल। एवरी बुल रैली फॉर दैट मैटर, एज आई टोल्ड यू, कोई भी प्राइस प्रिंसिपल दैट आई एम गोना टॉक अबाउट, ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, इट इज इररिलेवेंट, मतलब टाइम फ्रेम इररिलेवेंट है। इट विल रिपीट इट सेल्फ ऑन अ डेली पिवोट, वीकली पिवोट, मंथली पिवोट, एज वेल एज ईयरली पिवोट। अगर स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग है, ओके, ट्रेंडिंग डाउन है, यू विल ट्राई यूर बेस्ट टू सेल एट द रेजिस्टेंस। अगर डिसेंडिंग CPRs बन रहे हैं, अ सीक्वेंस ऑफ लोअर CPRs बन रहे हैं, अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है,
किसी पर्टिकुलर दिन अगर जोर से अगर प्राइस को गिरना है तो एक बार हाई को टच करके ही प्राइस गिरेगी, एक बार स्टॉक ओवर बॉट जोन में जाके ही यू नो इट विल फॉल डाउन। दिस आर द की थिंग्स दैट यू नीड टू नो। तो एक बार हाई टेस्ट करेगा, इस हाई टेस्ट करेगा मतलब एक बार R1 पिवोट लेवल डेफिनेटली टेस्ट करेगा एंड यू शुड अटेम्प्ट टू सेल द स्टॉक एट R1 पिवोट लेवल। ठीक है, नाउ राइट नाउ व्हाटएवर आई एम सेइंग मे बी इट्स नॉट क्लियर टू यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली मोस्ट ऑफ इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस द मोमेंट वी गो ऑन द चार्ट्स। ओके, सो स्टे पेशेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज CPR? ओके, सो मे बी लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब एंड आई रियली वॉन्ट टू डू जस्टिस टू एवरी वन। सो जो भी यू नो बहुत एक्सपर्ट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है, सो प्लीज कीप पेशेंस फॉर 2 मिनट्स। आई जस्ट कवर वॉट CPR इज, थोड़ी सी थियरी है, सो स्टे ट्यून विथ मी। सो सेंट्रल पिवोट रेंज जो CPR है, जिसकी बातें आजकल बहुत चल रही है इंडियन मार्केट में, बट वेरी फ्यू नो एग्जैक्टली एवरी पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ CPR एंड आई एम गोइंग टू मेक एन अटेम्प्ट टू टेल यू एवरी पॉसिबल सीक्रेट ऑफ अ CPR। ओके, CPR सिर्फ नैरो और वाइड होने से यू नो यू डोंट इट सेज अ लॉट बट डजेंट से एवरीथिंग एंड वी वॉन्ट टू नो एवरीथिंग पॉसिबल, वी हैव टू बी प्रोफेशनल्स। एक बात समझ लीजिए, अगर आप किसी न्यूज चैनल के ऊपर रिलाय करने वाले हैं फॉर योर निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स, किसी यूट्यूब ट्रेडर के ऊपर रिलाय करने वाले हैं फॉर योर निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स, इट्स बेटर दैट यू डू नॉट ट्रेड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी और बैंक निफ्टी इज नॉट एवरी वंस कप ऑफ टी। यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट प्राइस एक्शन ट्रेडर, यू नीड टू नो एवरी प्राइस प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू CPR फ्लोर पिवोट्स एंड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैमरेला पिवोट। तो अगर आप किसी और के ऊपर रिलाय होकर अगर आज तक ट्रेड ले रहे हो, आई कैन राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि यू आर मेकिंग इमेंस लॉसेस। सो प्लीज अगर आप खुद का प्री मार्केट बायस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो एंड इफ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर ओन लेवल्स, इफ यू डोंट नो हाउ टू डू योर प्री मार्केट एनालिसिस, इफ यू डोंट नो हाउ टू डू योर होमवर्क, इफ यू डोंट नो हाउ टू यू नो क्रिएट योर ओन सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स एंड यू नो अ स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट डे, इट्स बेस्ट दैट यू डू नॉट ट्रेड। स्टॉप योर ट्रेडिंग राइट नाउ, वॉच दिस कंप्लीट सीरीज। आई एम गोइंग टू मेक यू एन एक्सपर्ट विद रिस्पेक्ट टू प्री मार्केट बायस बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज। जितने भी लोग अगर ये सीरीज को एंड टू एंड फॉलो करेंगे, यू विल बी अ वेरी 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 गुड एंड कॉन्फिडेंट इंडेक्स ट्रेडर। निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो ट्रेडिंग का पैटर्न है, दैट विल बी मास्टर्ड इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्राइस प्रिंसिपल्स। ओके, सो इसे लाइटली प्लीज मत लीजिएगा। ओके, यू कैन टेक मी लाइटली बट नॉट दिस प्राइस प्रिंसिपल्स। सो देर इज अनदर थिंग दैट आई मीन दिस इज अ स्टेटमेंट दैट आई हैव पिक्ड अप फ्रॉम बुक ऑन पिवोट्स, दैट्स पिवोट बॉस, एंड इट सेज लाइक अ मून द सेंट्रल पिवोट रेंज कंट्रोल्स द टाइड ऑफ द मार्केट। इट इज वेरी ट्रू। अगर किसी ने सही में इसे बैक टेस्ट करके इफ यू आर मेकिंग प्रॉफिट, दैट्स वेन यू शुड बिलीव अ स्टेटमेंट, नॉट जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग इट। सो प्लीज डू मेक श्योर दैट यू मेक योर एनालिसिस एंड ट्राई योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू से। सो 3 लेवल्स है और यहाँ पे उसकी उसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला डजेंट बॉदर मी एट ऑल, यू हैव इंडिकेटर्स एंड यू कैन प्लॉट इट आउट और मैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सारे सिखाऊंगा। ओके, बट ये जानना जरूरी है कि जो भी CPR के भी 3 लेवल्स है, ओके, जो टॉप CPR है, बॉटम CPR है, आई थिंक इट वॉज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट एवर टाइम बाय द फ्लोर पिवोट बॉस का जो भी ऑथर था। बट आई रियली डोंट रिलाय ऑन द बैंड्स, बट द बैंड्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इफ द CPR इज नैरो वर्सेस वाइड। बट आई बेसिकली रिलाय ऑन कैमरेला L3 एंड H3 बींग वाइड और नैरो। ओके, दैट इट्स माई प्रेफरेंस। बट जिनको कैमरेला के सीक्रेट्स नहीं पता है, दे कैन रिलाय ऑन द CPR बींग नैरो और वाइड। सो देर इज अनदर इंडिकेटर पैटर्न, जो मेरा चार्टिंग है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट इन दैट आई डोंट प्लॉट CPRs when I'm trading Nifty and Bank Nifty specially. I only rely on the width and the you know analysis of the Camarilla. Anyway, I'll cover that later at some time. So remember this tip, today's market close levels will calculate tomorrow's CPR and pivot levels, और इसीलिए ये बहुत relevant है। ये कल market में buyers और sellers के बीच में किस तरह की जंग हुई, who was trying to win the race and who won the race eventually by the end of the day, उसके बेसिस के ऊपर उसके कैलकुलेशंस को लेकर आज का पिवोट लेवल प्लॉट होता है। याद रखिए कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी यही एनालिसिस हो रहा है। ओके, सो देर आर बिगर सर्कल्स एंड देर आर स्मॉलर स्टडीज एंड स्मॉलर पिवोट्स ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। सो बड़े लेवल के ऊपर भी उतने ही
आसानी से और उतने ही रेलेवेंस के साथ ये सारे स्ट्रैटेजीज काम करती है. ओके, सो हायर टाइम फ्रेम सीपीआर की स्टडी है एंड आई विल जस्ट क्विकली गो ऑन टू प्रेडिक्टिंग टुमोरोज मार्केट. ओके, दिस इज द कोर, दिस इज द एजेंडा विच आई एम ट्राइंग टू अचीव इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो अंडरस्टैंडिंग हाउ द सेंट्रल पिवोट रेंज वर्क्स. सो 2 दिन का रिलेशनशिप, आज का जो सीपीआर का बैंड है और कल का जो सीपीआर का बैंड है, द वे दे आर प्लेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, दैट डिफाइन्स आर प्री मार्केट बायस. तो इसको समझना बहुत जरूरी है. अब समवन कैन से कि हायर सीपीआर है मतलब वी आर बुलिश एंड देन वी शुड लुक फॉर बाइंग. इट इज नॉट दैट सिंपल. उसके अंदर भी बहुत ही छोटे माइन्यूट से इम्पॉर्टेंट से यू नो प्राइस एक्शन है विच यू नीड टू अंडरस्टैंड टू बी अ सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर. ओके, सो प्लीज ध्यान से सुनिए. आज का टॉपिक जो है उसमें हम सिर्फ हायर सीपीआर कवर करने वाले हैं और हायर सीपीआर का जो प्री मार्केट एनालिसिस है उसको करेंगे और देखेंगे कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते थे. ओके, सो देर आर लाइक 7 डिफरेंट लेवल्स, हायर सीपीआर, लोअर सीपीआर, ओवरलैपिंग सीपीआर एंड आउटसाइड सीपीआर एंड इनसाइड सीपीआर एंड स्टफ. सो लेट्स स्टार्ट विथ हायर सीपीआर वन एट अ टाइम, नाइस एंड ईजी, विल कीप इट सिंपल एंड विल गो स्लो. तो हायर सीपीआर जो है उसका, एज आई सेड, अगर आज कल का सीपीआर नीचे है, पिवोट बैंड नीचे है, आज का हाई सीपीआर जो है वो ऊपर है, ऊपर सटा हुआ है, दोनों के बीच में गैप है, देयर इज नो ओवरलैप बिटवीन देम. सो जो प्री मार्केट बायस है, जो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए वो ये है कि आपका जो प्री मार्केट बायस है, आज का जो मार्केट का सेंटिमेंट है, एक्सपेक्टेड मार्केट का जो सेंटिमेंट है, दैट इज बुलिश. यू आर हाईली बुलिश, यू विल ऑलवेज लुक फॉर बाइंग ट्रेड्स. हम कभी कोई गलती नहीं करेंगे. कितनी भी बड़ी रेड कैंडल मिल जाए पहले 5 मिनट की, यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक ऑफ शॉर्टिंग द मार्केट. सो दिस इज वॉट आई एम टेलिंग यू, इंपॉर्टेंस ऑफ प्री मार्केट बायस. नॉइज अवॉइड हो गया है, आपकी साइकोलॉजी ऑलरेडी ट्रेन हो रही है. ओके, नाउ लेट्स गो डीप डाइव एंड सी द नेक्स्ट स्टेप. सो मैंने जो हायर सीपीआर है, देन आई हैव ब्रोकन डाउन इट इंटू 4 डिफरेंट सेंटिमेंट्स. ओके, देर आर 4 पॉसिबिलिटीज. दो द सीपीआर इज हायर, योर मार्केट सेंटिमेंट इज बुलिश, बट देर आर 4 पॉसिबिलिटीज दैट कुड हैपन इन द मार्केट एंड यू हैव टू बी रेडी टू ट्रेड इट इन आइदर ऑफ दिस 4 पॉसिबिलिटीज. इन 4 पॉसिबिलिटीज के अलावा मार्केट में और कुछ नहीं हो सकता है. दैट्स द बेस्ट थिंग. सो आउट ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ हे वायर था, आपको कुछ पता नहीं है आज मार्केट में क्या होने वाला है, बट राइट नाउ यू हैव अ प्री मार्केट बायस. योर प्री मार्केट बायस इज हाईली बुलिश. क्यों? क्योंकि सीपीआर असेंडिंग है, सीपीआर हायर है. नाउ देर आर 4 सिचुएशंस और 4 डिफरेंट पैटर्न्स दैट कुड हैपन. 4 पॉसिबिलिटीज है ऑफ प्राइस शोइंग द प्राइस एक्शन ऑन द नेक्स्ट डे और इन चारों पैटर्न्स को हम मास्टर करेंगे. चारों पैटर्न्स के लिए एंट्री एग्जिट्स और टारगेट्स को डिफाइन करेंगे विच विल बी फुल प्रूफ. तो हमारा एक सेटअप जो है वो अपना रेडी हो जाएगा. ओके, सो सबसे पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं. मैं आपके सामने निफ्टी या बैंक निफ्टी का चार्ट लेकर आता हूँ, ठीक है? आज का जो बैंक निफ्टी का चार्ट है, इफ यू वुड सी, दिस इज अ प्रीवियस डे सीपीआर. ये 3 लाइंस जो है वो प्रीवियस डे सीपीआर है, अंडरस्टूड? ये आज के जो 3 लाइंस है वो आज का सीपीआर बैंड है. इफ यू वुड सी द प्रीवियस डे सीपीआर और आज का जो सीपीआर है, दे आर हायर इन रिलेशनशिप. ये हायर सीपीआर है, इसे असेंडिंग सीपीआर भी कहा जा सकता है, इसे बुलिश सीपीआर भी कहते हैं, ठीक है? सो हमारा प्री मार्केट बायस है दैट वी आर गोइंग टू ओनली लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज. ओके, दैट्स वन थिंग इज क्लियर. नाउ लेट्स लुक एट ईच एंड एवरी कंडीशन एंड देर आर 3 क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आस्क यूर सेल्फ. ओके, आई एम गोइंग बैक टू द स्लाइड. सो आपने जो पहला पड़ाव था वो आपने कवर कर लिया है, दैट दिस योर सेंटिमेंट इज बुलिश. सबसे पहले आपको आपको सवाल पूछना है. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क लुकिंग एट द सीपीआर इज कि इज इट एन असेंडिंग सीपीआर. इट इज एन असेंडिंग सीपीआर. प्री मार्केट बायस बुलिश. सेकेंड थिंग इज द सीपीआर विथ नैरो. जैसे सीपीआर का प्लेसमेंट देख लिया, अब सीपीआर का विथ देख लीजिए. ओके, सो लेट्स गो बैक टू द चार्ट और देखते हैं बैंक निफ्टी का सीपीआर कैसा है. सीपीआर इज नैरो. ओके, इट इज सुपर नैरो. इफ यू कैन कंपेयर दिस सीपीआर विद द प्रीवियस डे और डे बिफोर दैट और यू नो 2 डेज बिफोर दैट एज कंपेयर टू देम, कोई मेजरमेंट नहीं है, बट विजुअली यू कुड सी कि सीपीआर नैरो है. सो 2 चीजें आपने सीख ली. एक है असेंडिंग सीपीआर, प्री मार्केट बायस इज बुलिश.
दूसरी चीज है सीपीआर इज नैरो, मतलब आज का जो दिन है दैट इज गोइंग टू बी अ सुपर बुलिश डे, इट इज गोइंग टू बी अ सुपर ट्रेंडिंग डे, इट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि रेलवे ट्रैक पैटर्न फॉर्म होगा, इट देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि रेलवे ट्रैक पैटर्न फॉर्म होगा। जिनको पता नहीं है रेलवे ट्रैक पैटर्न क्या है, देर आर प्रीवियस वीडियोज, यू कैन गो एंड विजिट देम। द 20 SMA और 50 SMA आर पैरेलल टू ईच अदर थ्रू आउट द डे, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ऑल थ्रू आउट द डे, प्राइस कीप्स टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम द 20 SMA और प्राइस स्टार्ट कीप्स डूइंग अ बुल रन ऑल थ्रू आउट द डे। ओके, दिस इज एन अल्टीमेट एग्जाम्पल ऑफ अ रेलवे ट्रैक पैटर्न। ओके, सो इट्स कॉल्ड रेलवे ट्रैक पैटर्न क्योंकि बीच में रेलवे ट्रेसा देर इज अ ट्रैक दैट कैन बी फॉर्म्ड एंड योर प्राइस रन्स लाइक अ ट्रेन ऑन टॉप ऑफ इट, जस्ट सो दैट यू रिमेंबर इट। ओके, माइट साउंड सिली, एनी वे, सो दो चीजें आपने सीख ली है, सीपीआर नैरो है भी कवर हो गया है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा सवाल आपको पूछना है, सॉरी तीसरा सवाल आपको पूछना है कि कल प्राइस कहाँ क्लोज हुई थी। मोस्ट ऑफ अस एंड ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ अस फॉरगेट्स दिस थर्ड क्वेश्चन। ये तीसरा सवाल अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है कि वेयर डिड द प्राइस क्लोज यस्टरडे। क्या कल प्राइस सीपीआर के ऊपर क्लोज हुई थी? यस, ये कल का सीपीआर है और प्राइस सीपीआर के ऊपर क्लोज हुई थी, मतलब हमारे तीनों कंडीशंस मीट हो चुके हैं। सीपीआर इज हायर सीपीआर, द सीपीआर इज नैरो, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिड द प्राइस क्लोज अबाउट द सीपीआर यस्टरडे। इट डिड क्लोज, सो डेफिनेट ये तीनों क्वेश्चंस अपने आंसर कर लिए। तीनों क्वेश्चंस आर सेटिस्फाइंग आवर वेरी फर्स्ट प्री मार्केट एनालिसिस जो हमने सीपीआर को देख के बनाया था कि वी आर गोइंग टू बी बुलिश। सो तीनों अपना जो प्री मार्केट एनालिसिस है वो कंफर्म हो गया है। नाउ देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, हम सबसे पहला एक पॉसिबिलिटी लेंगे। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी दैट कुड हैपन। ओके, गैप अप ओपनिंग होगा। ओके, देर कुड, क्योंकि असेंडिंग सीपीआर है, हायर सीपीआर है, सो द फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि देर इज अ गैप अप ओपनिंग अबाउ द सीपीआर। ओके, सो पहला जो अपना पॉसिबिलिटी है वो गैप अप ओपनिंग का है सीपीआर के ऊपर, सो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। गैप अप ओपनिंग से आपको कभी नहीं डरना है। अगर ये दूसरा प्राइस प्रिंसिपल्स आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर किसी भी स्टॉक में इस दुनिया के अगर रेलवे ट्रैक पैटर्न ऑन अ गिवन डे अगर बनने वाला है तो इट इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी, इट इज अ गिवन थिंग कि प्राइस थोड़े या ज्यादा गैप अप से ही खुलेगा। ओके, क्योंकि बुल का कन्विक्शन है, बुल आर रेडी टू बाय इन एवरी पॉसिबल प्राइस टैग। और उसी के साथ साथ एक दूसरा साइकोलॉजी ये भी है कि जो भी जो प्री मार्केट जो 9 बजे मार्केट खुल जाता है, लॉट ऑफ पीपल प्लेस ऑर्डर्स। ओके, सो पीपल हु नो द मार्केट सेंटिमेंट दे विल प्लेस ऑर्डर स्टार्टिंग एट 9, 9:15 को मार्केट आपके लिए खुलेगा, बट देर आर आफ्टर मार्केट ऑर्डर, सो लॉट ऑफ पीपल डू अ मार्केट खुलने से पहले बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्मार्ट ट्रेडर्स, बिग फंड हाउसेस और वॉट एवर यू कैन कॉल देम, FIIs, DIIs। ओके, सो वो सारे लोग 9 से 9:15 के बीच में ही मार्केट खुलने से पहले ही प्री मार्केट ही बाय कर लेते हैं बिकॉज ऑफ दैट ह्यूज डिमांड। प्राइस हमेशा गैप अप से खुलेगा क्योंकि हर हर प्राइस में सेटिस्फाई देर आर बायर्स, सो इवेंचुअली द प्राइस विल ओपन, क्योंकि वही उसका जो अल्गोरिदम है दैट इज प्लेस दैट वे, द मार्केट विल ओपन विद अ गैप अप दैट सेज दैट द बुल्स हैव द कन्विक्शन टू टेक द प्राइस हायर, दैट्स ऑल इट सेज। सो गैप अप से कभी डरना नहीं है। गैप अप ओपनिंग में शॉर्ट करने की राय जो भी आपको दे रहा है दैट इज सुपर बुलशिट, नेवर फॉल इन टू दोज ट्रैप, ऑलवेज गो विद द ट्रेंड। तो गैप अप ओपनिंग होगा अबाउ द सीपीआर, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आपका जो प्री मार्केट बायस था वो 100% करेक्ट था। टुडे इज अ डे इन विच यू कुड गेट अ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले प्राइस सीपीआर के ऊपर खुला, सीपीआर के ऊपर खुला है लेकिन R1 पिवोट लेवल के नीचे खुला है। ओके, दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। सो प्राइस इज वेल पोजिशन टू अचीव हायर हाइज, प्राइस विल टेक अ स्मॉल पुल बैक टू सीपीआर लेवल एंड रेज्यूम इट्स जर्नी अपवर्ड्स। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस सीपीआर के ऊपर खुलता है, आई जस्ट गो ऑन द चार्ट्स, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, प्राइस जो है वो सीपीआर के ऊपर खुलता है लेकिन R1 पिवोट लेवल, ये जो लेवल है वो R1 पिवोट लेवल है, इसके ऊपर आपको R2 दिखेगा और इसके ऊपर आपको R3 दिखेगा। ओके, सो आई एम सेइंग सबसे पहला पॉसिबिलिटी ये है कि प्राइस सीपीआर के ऊपर खुलेगा लेकिन R1 पिवोट लेवल के नीचे खुलेगा, मतलब प्राइस बुलिश तो है लेकिन इट इज वेरी क्लोज टू द सीपीआर। सीपीआर ये जो प्राइस प्रिंसिपल है, अगेन मेक अ टैगलाइन, मेक अ नोट ऑफ इट कि ये पर्टिकुलर प्राइस प्रिंसिपल भी कभी नहीं बदलेगा। ओके, और अगर बदल रहा है देन यू शुड बी वेरी प्रिकॉशियस, कम क्वांटिटी से आप ट्रेड करेंगे।
आप उसी स्टॉक उसी इंडेक्स में उसी दिन ट्रेड करेंगे जब आपका और जो प्राइस का जो बिहेवियर है दैट इज मैचिंग अप। सो अगर प्राइस R1 पिवोट लेवल के नीचे खुला है, CPR के ऊपर खुला है, CPR इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और CPR प्राइस को अपनी तरफ जरूर खींचेगा। इसलिए अगर प्राइस R1 पिवोट लेवल के नीचे खुला है, CPR के ऊपर खुला है, तो एक बार प्राइस CPR को टेस्ट करने जरूर आएगा। और जब ये CPR को टेस्ट करने आए दैट इज योर बेस्ट एंट्री यू कुड टेक। अगर वापस आप वो प्रिंसिपल भूल गए, वो प्रिंसिपल है इन एन अप ट्रेंडिंग स्टॉक यू शुड बाय एट द सपोर्ट, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, कल भी CPR के ऊपर प्राइस बंद हुई थी, आज का जो CPR है वो असेंडिंग CPR है। और अगर आपको मौका मिल रहा है टू बाय द स्टॉक एट द सपोर्ट, यू शुड नेवर लेट दैट यू नो अपॉर्चुनिटी गो अवे। और उसका सबसे बेस्ट रिजल्ट ये है कि आपको स्टॉक एट द चीपेस्ट पॉसिबल वैल्यूएशन बाय करने का मौका मिलता है। यू बाय द स्टॉक एट द चीप, एट द सेम टाइम यू आर बाइंग द स्टॉक एट द सपोर्ट। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो CPR के एकदम नीचे होगा। अगर CPR नैरो है तो आपका स्टॉप लॉस 20 25 30 रुपए का होगा एंड देन यू हैव हायर टारगेट्स। आपका टारगेट R3 है। सो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड की बातें करने वालों, आई हैव नेवर बीन एबल टू रिलेट टू देम फॉर सम रीजन, पीपल माइट नॉट बी एबल टू रिलेट टू मी। यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 25 रुपए का है और मेरा जो टारगेट है वो 500 पॉइंट का है। दैट्स हाउ इट शुड बी, इट्स एन अप ट्रेंडिंग स्टॉक, यू शुड बाय इट एट द सपोर्ट। सो यू बाय एट द सीपे, दैट इज द बेस्ट एंट्री यू कुड टेक। लेकिन समझने वाली बात यह है फर्स्ट पॉसिबिलिटी की, अगर R1 पिवोट लेवल में अगर पहले पांच मिनट की कैंडल अगर R1 पिवोट लेवल को ब्रेक नहीं कर रही है, अगर कैंडल R1 पिवोट लेवल के ऊपर नहीं खुली है, द फर्स्ट 5 मिनट कैंडल मार्केट का ओपनिंग इतना गैप अप नहीं है कि वो R1 पिवोट लेवल को ब्रेक कर रहा है इन फर्स्ट 5 मिनट्स, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू कम डाउन वंस टू टेस्ट द CPR बिफोर इट विल रैली अपवर्ड्स। That is the first possibility that you have learned, and the best entry you could take is to buy this uptrending stock at the support that is at the CPR. First condition पता चल गया, आपको ये समझना बहुत जरूरी है, okay? That is the first situation. ये जो आज की situation है, that is not our first situation, okay? ये मैंने आज का निफ्टी देख के ये स्लाइड नहीं बनाई है, this is a slide that I have given to my students 6 months back as well. These are the price principles which never change, okay? सो आज का जो सिचुएशन है दैट इज ओवर हियर, ये हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी यहाँ पे मेट हो रही है आज का जो निफ्टी बैंक निफ्टी का बिहेवियर है उसमें। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेकंड पॉसिबिलिटी। प्राइस में ओपन अबव R1 एंड प्रीवियस डे हाई विद अ गैप, ओके? आई एम नॉट कवरिंग प्रीवियस डे हाई जस्ट नॉट टू कंफ्यूज यू, स्टिक टू R1, ओके? प्रीवियस डे हाई इज जस्ट अनदर थिंग यू कैन एड ऑन टॉप ऑफ इट। ऑलरेडी आपके पास 6 फ्लोर पिवोट से, 3 CPR के लेवल से, कैमरिला के 4 लेवल से, अभी वापस प्रीवियस डे हाई लो देखने की कोई जरूरत नहीं है, बट यू कैन टेक अ क्विक लुक बिफोर एंटरिंग इनटू द ट्रेड। तो सम प्रिंसिपल को समझिए, ओके? लेट्स फोकस वंस अगेन, डोंट बी अफ्रेड ऑफ गैप अप ओपनिंग्स। द फैक्ट इज प्राइस कंटिन्यूज टू ट्रेड हायर थ्रू आउट द डे मोस्ट ऑफ द टाइम, रिमेंबर एंड टेक ट्रेड यूजिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न टेक्निक। दो प्रिंसिपल्स में यहाँ पे आपके सामने रिवील करने वाला हूँ। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज कि अगर गैप अप ओपनिंग बहुत ह्यूज है, बहुत भयंकर है, अगर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ही R1 पिवोट लेवल को ब्रेक कर देती है, या फिर पहली 5 मिनट की मार्केट की ओपनिंग ही R1 पिवोट लेवल के ऊपर है, उन सारे सिनेरियोज में प्राइस विल नॉट कम डाउन टू द CPR फॉर रिटेस्टिंग। अब CPR एक्ट्स एज अ मैग्नेट, इट्स ट्रू, लेकिन कन्विक्शन इतना हाई है ट्रेडर्स का, बुल्स का, दैट दे विल नॉट इवन केयर अबाउट टेस्टिंग द CPR। CPR से एक तो प्राइस बहुत ऊपर चली गई, इसलिए अब CPR का जो मैग्नेटिक पावर है वो कम है। इट्स जस्ट अ वे ऑफ सेइंग इट, दैट्स नॉट द लिटरल सेंस ऑफ इट, इट्स नॉट अ मैग्नेट, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि प्राइस कन्विक्शन इतना हाई है, बाइंग करने की जो पागलपन है वो इतना हाई है कि एवरी प्राइस पीपल आर गोइंग टू बाय द स्टॉक। सो देयरफॉर अगर प्राइस R1 पिवोट लेवल के ऊपर ओपन होती है तो इट विल नॉट कम डाउन टू द CPR टू बाय, सो यू वोंट गेट द बेस्ट रिस्क, यू वोंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू बाय द स्टॉक एट द सपोर्ट, ओके? दैट्स वन थिंग दैट यू अंडरस्टूड। सेकेंड थिंग यू अंडरस्टूड इज दैट द CPR विल नॉट बी टेस्टेड। थर्ड थिंग, जिस भी दिन अगर प्राइस पहले 15-20 आधे घंटा 1 घंटा R1 पिवोट लेवल के ऊपर ट्रेड होता रहा, तो उस दिन रेलवे ट्रैक पैटर्न बन कर ही रहेगा।
दिस इज मतलब ये रॉक पे मारी हुई लकीर है, दिस विल नॉट चेंज एट ऑल, दिस इज अनदर प्रिंसिपल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. इफ द प्राइस ओपन्स अबाउ द आर वन पिवोट लेवल एंड कंटिन्यूज टू ट्रेड अबाउ द आर वन पिवोट लेवल फॉर फर्स्ट हाफ एन आवर एंड देन एंड हायर ऑल थ्रू आउट द डे, द रेलवे ट्रैक पैटर्न विल बी फॉर्म ऑन सच डेज. ओके, सो ये समझना बहुत जरूरी है. सो लेट मी गो बैक ऑन द चार्ट्स एंड सी इफ इट इज ट्रू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे पहले 5 मिनट में ही आर वन पिवोट लेवल यहाँ पर ब्रेक हो गया है. द रेलवे ट्रैक पैटर्न इंटैक्ट है सिंस यस्टरडे, सो अप ट्रेंड यहीं से शुरू हुआ है. सो प्राइस विल नॉट इवन बॉदर कमिंग डाउन टू द CPR फॉर रीटेस्टिंग. और एक इम्पॉर्टेंट सीक्रेट दैट ऑल्सो यू नीड टू नो इज कि कल प्राइस ने ऑलरेडी CPR को टेस्ट कर लिया है. ओके, सो प्राइस हैज़ यू नो कंसोलिडेटेड इट सेल्फ फॉर अ वाइल. वहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, बहुत सारी बाइंग हो रही है, बहुत सारी ट्रैपिंग हो रही है, अ साइडवेज मूवमेंट है. लेकिन ऑल थ्रू आउट दिस मूवमेंट यू वुड सी दैट द प्राइस इज टेकिंग सपोर्ट एट द CPR दैट इज नॉट इवन फॉर्म्ड यस्टरडे. ओके, सो द कैलकुलेशन वर्क्स ब्यूटिफुली वेल एंड आई विल बी एबल टू प्रूव दिस एवरी सिंगल टाइम. ओके, देर इज अ ओपन चैलेंज एंड आई कैन यू नो दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल. सो CPR का जो रीटेस्ट था, जो भी प्राइस एक्शन का कंसोलिडेशन था, जो भी लोगों को इस इक्विलिब्रियम लेवल पे बाय करना था या फिर प्रॉफिट्स को बुक करना था, वो सब कुछ प्रीवियस डे हो चुका है. आज कन्विक्शन हाई है, प्राइस गैप अप ओपनिंग के साथ खुलती है, पहले 5 मिनट में रेलवे ट्रैक पैट सॉरी आर वन पिवोट लेवल को ब्रेक करती है और रेलवे ट्रैक पैटर्न ऑल थ्रू आउट द डे बनता रहता है. सो दिस इज द बेस्ट थिंग यू कुड डू. सो अगर आर वन पिवोट लेवल के ऊपर प्राइस खुल रही है, देर आर डिफरेंट एंट्रीज यू कुड टेक. आई एम गोइंग टू कम एट द एंट्रीज एज वेल. और इसकी एंट्री जो है रेलवे ट्रैक पैटर्न की, वो सुपर सिंपल है, सटीक है, ईजी है. और ये है कि जो भी हाई के बाद, जिस भी हाई के बाद आपको कंसोलिडेशन मिले, ओके, एक स्विंग हाई बना, छोटा सा हाई बना, प्राइस ऑलवेज मूव्स इन अ टू लेगेड मूव्स. सो दिस इज द फर्स्ट लेग, देर इज अ पुल बैक एंड देन दिस इज सेकेंड लेग. ऑलवेज याद रखिए, पहला लेग जो है वो छोटा होगा, उसके बाद में कंसोलिडेशन होगा, करेक्शन होगा, लोअर लेवल्स का रीटेस्ट होगा जो कि बहुत हेल्दी है, बहुत एसेंशियल है. और प्राइस का जो सेकेंड लेग होगा पुल बैक के बाद, इस पुल बैक के बाद दैट विल बी एटलीस्ट ट्वाइस द लेंथ ऑफ द फर्स्ट लेग. ओके, सो ये सेकेंड लेग जो प्राइस है दैट विल ऑलवेज बी स्ट्रॉन्गर देन द फर्स्ट लेग. ओके, दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो सुपर इम्पॉर्टेंट. आपको बहुत सारी चीजें लग रही है, बट मे बी वॉच दिस वीडियो कपल ऑफ टाइम्स. यू जस्ट हैव टू गेट द कोर प्राइस प्रिंसिपल्स एंड यू नो स्मॉल नोट्स यू कुड टेक. स्क्रीन शॉट ले लीजिए ये स्लाइड का, गो थ्रू द वीडियो कपल ऑफ टाइम्स एंड मास्टर इट. जब भी ऐसा हो कि आपको CPR की तरफ यू नो अगर बाइंग नहीं मिले, अगर फर्स्ट कंडीशन मेट, फर्स्ट पॉसिबिलिटी अगर मेट नहीं हो रही है, सेकेंड पॉसिबिलिटी इज ऑल द मोर अमेजिंग. ओके, इज ऑल द मोर एक्सप्लोजिव. बिकॉज इन सारे सिनेरियोज में, जब भी आर वन पिवोट लेवल पहले 5 मिनट में ही ब्रेक हो जाता है, जब रेलवे ट्रैक पैटर्न थ्रू आउट द डे बनता रहता है, आपको एक चीज की अश्योरिटी है कि एटलीस्ट R3 पिवोट लेवल तक के आपके जो टारगेट्स है वो अचीव हो जाएंगे. राइट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू बी अश्योर्ड ऑफ. तो इन सारे सिनेरियोज में याद रखिए, जो फर्स्ट लेग के बाद जो पुल बैक हो रहा है, सो जो भी हाई है इस फर्स्ट लेग का, उस हाई को आप पेशेंटली मार्क करके रखिए. जो भी कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे, ओके, और यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, कोई विक नहीं चाहिए, तो यहाँ पर भी आप बाइंग ले सकते हैं. यू कैन गेट इन टू द ट्रेड एंड दैट विल बी रियली अर्ली और इमेच्योर ट्रेडिंग होगी ऐसी. आई वॉन्ट कि इस हाई के ऊपर, ये जो हाई है इस कैंडल का क्लोजिंग का हाई, उस हाई के ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए, अ डिसाइसिव क्लोजिंग डन बाय अ ग्रीन कैंडल विच इज अ फुल बॉडी हेल्दी ग्रीन कैंडल. नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो भी ग्रीन कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देगी, ओके, इस करेक्शन के बाद आप उस ग्रीन कैंडल में यू हैव टू बाय. और आपका जो स्टॉप लॉस है वो सबसे सिंपल, यू कैन यूज द स्कैल्पिंग मेथड जो फोरेक्स ट्रेडिंग में यूज करते हैं लोग. यू कैन आइदर काउंट 3 कैंडल्स बिलो द एंट्री कैंडल एंड पुट योर स्टॉप लॉस. ये स्टॉप लॉस मेरे लिए, आई मीन इट्स स्टूपिड इनफ फॉर मी. मैं भले पैसे कम कमाऊं लेकिन मैं गंवाने में तो बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूं. इसलिए याद रखिए, स्टॉप लॉस शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल. इफ दिस इज द स्टॉप लॉस, इट्स बेटर दैट यू डोंट टेक द ट्रेड. सो सबसे ये, क्योंकि अब ये रैली आ चुकी है फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेटली, सो आइदर यू कुड काउंट 3 कैंडल्स बिलो द एंट्री कैंडल. ये आपकी एंट्री कैंडल हो गई, राइट. लेट मी जस्ट ड्रॉ इट
properly, so it doesn't con. This is your entry candle. You can either count three candles behind the entry candle. So one, this is two, this is three. You can put your stop loss over here. Agar ye stop loss bahut deep ho raha hai, to you can just put your stop loss below the entry candle. That is also doable. But the best thing is RTP hai, gap up opening hai. R1 pivot level ke upar pehla 5 minute ka candle ne break diya hai. So on such days, agar mehne mein aapko, I can write it down, mehne mein aapko at least 7 se 8 din, 5 se 6 din definitely mil jayenge jismein RTP form hota hai, jismein ye sare possibilities hai, 4 mein se jo pehle do possibilities hai, wo replicate hote hai, and price behaves exactly the same. Kyunki agar price uptrend mein hai, to usko ye behavior charts पे depict करना ही पड़ेगा and only then it can move upwards, okay? So correction भी बहुत healthy है, essential है, it gives us confidence कि जो first leg है उसका this is 5 times the the length of the first leg, okay? So it is very 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 important. So this is also a cheap entry. You are buying a stock at a very cheap valuation very early in the trade. You have to wait patiently. Eventually you can book the stop loss at R3 pivot level, okay? Again याद रखिए ये जो हाई है ये आपकी ट्रिगर कैंडल है. यू कैन कॉल दिस एज अ ट्रिगर कैंडल. ट्रिगर कैंडल में कभी एंट्री नहीं लेनी है. एंट्री कैंडल इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रिगर कैंडल. ट्रिगर कैंडल में आपको हाई को मार्क करना है पेशेंटली, लाइक अ मॉन्क यू शुड सिट एंड वेट पेशेंटली. यहाँ पे अलर्ट लगा दीजिए, अलार्म लगा दीजिए एंड वेट पेशेंटली फॉर अ कैंडल टू गिव क्लोजिंग अबाउ द हाई ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रिगर कैंडल. जो भी कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे, ग्रीन कैंडल, याद रखिए बाइंग करने के लिए हमेशा ग्रीन कैंडल के ऊपर बाइंग करनी है, कभी भी रेड कैंडल के ऊपर बाइंग नहीं करनी है. अगर सेलिंग करनी है तो रेड कैंडल के नीचे सेलिंग करनी है कभी भी. सो दिस आर बेसिक थिंग्स. आई थिंक आई कांट गो मोर बेसिक देन दिस, बट बाइंग करने के लिए वेट फॉर अ हेल्दी ग्रीन कैंडल, ओके? सो यू, दिस इज योर एंट्री कैंडल, ओके? एंड यू हैव टू एंटर एंड दिस इज योर स्टॉप लॉस, अ स्मॉल स्टॉप लॉस ओवर हियर एंड देन दिस इज द ट्रेड दैट यू कुड टेक. Now you could, you even if you have missed any of these entries, agar aapko itna powerful railway track pattern dikh raha hai, so you can also add more positions on this small pullbacks that you are getting on a 15 minute time frame. Agar aap bahut hi newbie trader ho and if you don't have enough, bahut bar aisa hota hai, mere sath bhi aisa hota tha, if you don't have patience, ek chhota sa green candle ka move agar aapko bahut takleef de raha hai, you don't have enough confidence and you are getting very frightened about you making losses, to uska uske do tarike hai use tackle karne ke. Sabse pehla tarika hai switch from 5 minute time frame to a 15 minute time frame after making an entry, okay? You can take an entry at a 5 minute candlestick pattern, lekin jab aap trade ke andar ghus chuke ho, when you are profit and loss is running upward downwards, that's when you switch to a 15 minute time frame. Tab aapko bade bade moves jo mirage hai जो होता नहीं लेकिन वो दिखाई देता है, दैट्स द पावर ऑफ ग्रीन एंड रेड. इसलिए बहुत सारे ट्रेडर्स ग्रीन और रेड कैंडल्स का कलर को चेंज करके दे मेक इट व्हाइट एंड ब्लैक, ओके? द ग्रीन एंड रेड समहाउ क्रिएट्स लॉट ऑफ इमोशनल केमिकल इम्बैलेंस इन योर हेड. सो आइदर यू स्विच टू 15 मिनट टाइम फ्रेम आफ्टर गेटिंग इनटू द ट्रेड. और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपकी पोजिशन साइजिंग. आपको डर सिर्फ तब लगेगा जब आपने कोई पोजीशन ऐसी ली हो जिस जो यू आर नॉट कंफर्टेबल विद. जब भी आप लेवरेज यूज करेंगे तब तब आपको टेंशन आएगा, तब तब आपको पसीना आएगा, तब तब आप गलत एंट्रीज लोगे और जल्दी प्रॉफिट्स भी बुक करोगे. इसीलिए ऑलवेज पोजीशन साइजिंग इज द की. छोटे छोटे पोजीशंस लीजिए. यू कैन इवेंचुअली कीप पिरामिडिंग एज आई सेड. इस रेड कैंडल पे थोड़ा और ऐड कीजिए, इस रेड कैंडल पे थोड़ा ऐड कीजिए. और स्टॉप लॉस को ऑब्वियसली ट्रेल करना है, ओके? ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है. You have to follow it meticulously. When the green, until unless you don't see a red candle, stop loss को trade करने की ज़रूरत नहीं है. But अगर ये red candle create हो रही है, यहाँ पर आप pullback देख रहे हो, then you can move your stop loss from this particular low to this particular low. Okay? Eventually अगर red candle दिख रही है, अगर pullback आ रहा है, you move your stop loss from over here to over here. So keep securing your profits. Okay? अगर ये कैंडल ब्रेक हो जाती है रेड, देन यू कैन कीप एडिंग योर पोजीशंस. और एक 25 का लॉट ऐड कर दीजिए या 50 का लॉट ऐड कर दीजिए. सो यू कैन कीप डूइंग दोज थिंग्स. लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग ओवर हियर, बट दैट्स द थिंग. आई मीन देयर इज, वंस आई स्टार्ट टॉकिंग आई विल जस्ट टेल यू एवरीथिंग दैट आई हैव. एंड आई थिंक वी हैव सिक्योर्ड एंड अंडरस्टूड बोथ द कंडीशंस बाय नाउ, ओके? ऑलवेज याद रखिए हायर CPR, दो कंडीशंस,
सीपीआर के ऊपर प्राइस खुलेगी लेकिन R1 पिवोट लेवल के नीचे, तब यू गेट अ पुल बैक डाउन टू द सीपीआर, यू बाय एट द सीपीआर। असेंडिंग सीपीआर प्राइस सीपीआर के ऊपर और R1 पिवोट लेवल के भी ऊपर खुलेगी, या पहला 5 मिनट का कैंडल ही R1 पिवोट लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो उस दिन RTP फॉर्म होकर रहेगा, आपको लोअर सपोर्ट पे बाय करने का मौका नहीं मिलेगा। तब आपको रेलवे ट्रैक पैटर्न की जो एंट्री टेक्निक मैंने आपको सिखाई है, देर इज अ फर्स्ट लेग ऑफ प्राइस विच इज बुलिश, मार्क दैट हाई, वेट फॉर करेक्शन। जब आपका ट्रिगर कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग देगा, तब आप स्टॉक में एंट्री लोगे और R3 पिवोट लेवल्स को अटेम्प्ट करोगे। ओके, नाउ दीज आर द टू थिंग्स दैट यू नीड टू डू, एंड दीज आर द टू थिंग्स, ओनली टू पॉसिबिलिटीज। अगर आपका जो प्राइस अगर सीपीआर के ऊपर खुलता है, तो मतलब आपका जो प्री मार्केट बायस है वो मतलब इट्स प्रूव्ड करेक्ट। सो दीज आर द ओनली टू पॉसिबिलिटीज। देर इज अ थर्ड पॉसिबिलिटी दैट कैन हैपन, एंड दैट इज प्राइस में ओपन बिलो द सीपीआर। अब ऐसा हो सकता है कि प्राइस जो है सीपीआर जो है वो असेंडिंग है, सीपीआर जो है वो असेंडिंग है, लेकिन प्राइस सीपीआर के नीचे खुल जाता है। अब जो है आपका प्री मार्केट बायस जो इनिशियली था, दैट वाज हाईली बुलिश, दैट हैज बीन प्रूव्ड रॉन्ग। अब इन सिनेरियोस में आप क्या करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हो, एक्सक्लूसिवली इंडेक्स ही ट्रेड करते हो डेली बेसिस के ऊपर, तो आपको ये जो यू नो जो अगेंस्ट योर प्री मार्केट बायस अगर मार्केट ओपन होता है, देन यू शुड हैव अ प्लान बी टू एग्जीक्यूट। और इसीलिए इन ऑल सच सिनेरियोस व्हाट वी वुड डू इज विल बी कवर्ड राइट। अगर प्राइस सीपीआर के नीचे खुलती है तो सब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक बार देख लीजिए, ये S1 पिवोट है यहाँ पर ग्रीन, विच इज ओवरलैपिंग विद द कैमरेला, सो जस्ट बी केयरफुल ओवर देयर। और ये है S2 और ये है आपका S3। ओके, सो ये तीन लेवल्स में यहीं पे रखता हूँ और ये आपका CPR है। ओके, पेशेंटली सुनिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ है, प्री मार्केट बायस आपका रॉन्ग प्रूव हुआ है। इसका मतलब आपको ये मान लेना है कि मार्केट सेंटिमेंट ओवरनाइट चेंज हो गया है। ओके, दैट बेयर्स हैव बीन एक्टिवेटेड इन द मार्केट और वॉट एवर हैज हैपेंड। ओके, हम तो न्यूज़ फॉलो नहीं करते, सो वी हैव अंडरस्टूड, बट द प्राइस विल टेल यू व्हाट द न्यूज़ इज। ओके, यू डोंट हैव टू वॉच न्यूज़ एंड डिसाइड व्हाट द प्राइस विल डू। यू हैव टू सी प्राइस एंड डिसाइड और एंड देन अज्यूम दैट समथिंग मस्ट हैव गॉन रॉन्ग। दैट्स द राइट वे ऑफ अप्रोचिंग इट। भगवान एक चुनिए और फिर यू नो यू स्टिक विद इट। सो इफ यू आप मानते हो अगर प्राइस भगवान है, देन यू शुड स्टिक विद द प्राइस एंड नॉट गेट एंड स्टे अवे फ्रॉम एवरी पॉसिबल नॉइज। ओके, सो अगर प्राइस सीपीआर के नीचे खुलता है, प्री मार्केट सेंटीमेंट अगर बदल गया है, सो फर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन इज अगेन द सेम सिनेरियो, प्राइस सीपीआर के नीचे खुलेगा और S1 पिवोट लेवल के ऊपर खुलेगा। मतलब सीपीआर इज स्टिल अ मैग्नेट, प्राइस सीपीआर के नजदीक है और प्राइस इतना भी बेरिश नहीं है कि वो S1 पिवोट लेवल को के नीचे खुला है। ओके, इट हैज नॉट ओपन विद अ मैसिव गैप डाउन, देयर इज अ गैप डाउन बट नॉट नॉट अ वेरी बिग गैप डाउन। सो इन दैट केस व्हाट कुड हैपन इज प्राइस विल गो अप टू द सीपीआर, सीपीआर विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस और आपको यहाँ इस रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगेन। ओके, सो यू कैन आइदर टेक अ रिस्कियर एंट्री, विच आई वुडन टेक, क्योंकि जो असेंडिंग सीपीआर है उसमें मैं सिर्फ उसी दिन ट्रेड करूंगा जिस दिन मेरे पहले दो कंडीशंस मेट हो। बिकॉज रोज ट्रेड करके आई मीन एक दिन लॉस और 4 दिन सॉरी एक दिन प्रॉफिट और 4 दिन लॉस करने से बेहतर है कि मैं 4 दिन में से एक ही दिन ट्रेड करूं जिसमें मेरा प्री मार्केट बायस जो मैंने डिसाइड किया था और जो मेरे बेस्ट पॉसिबल सेटअप्स है, जो मेरे बेस्ट पॉसिबल एंट्रीज है, जब वो ट्रिगर होगी तब मैं एंट्री लूँ। ठीक है, सो आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन इंडेक्स ट्रेडिंग बाय एनी मीन्स। ओके, देर आर लॉट ऑफ अदर ट्रेड्स आई टेक और डिपेंडिंग ऑन द स्कैनर्स दैट वी हैव डिजाइंड। सो एनी वे, लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। सीपीआर की तरफ अगर जब प्राइस आ रहा है, सीपीआर विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सेल एट दिस पर्टिकुलर लेवल एंड डू इट, क्योंकि ये आपकी बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड ऑफर करने वाली यू नो सेल एंट्री है और आपका स्टॉप लॉस एकदम सीपीआर के अपोजिट ऊपर की तरफ है। सो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, यू कैन स्टेप आउट ऑफ द ट्रेड एंड कॉल इट अ डे, दैट्स ओके। सो इवेंचुअली द प्राइस विल टेक रेजिस्टेंस एट सीपीआर बिफोर फॉलिंग डाउनवर्ड्स। उसको अगर नीचे गिरना होगा तो गिरने से पहले एक बार सीपीआर जरूर टेस्ट करेगा। अगर क्यों टेस्ट करेगा, क्योंकि सीपीआर के नीचे खुला है, मार्केट सेंटिमेंट बदल गया है ओवरनाइट और उसके साथ साथ S1 पिवोट लेवल के ऊपर है, सीपीआर के नीचे है, सो इट विल डेफिनेटली टेस्ट द हाइज। एक बार ओवरबॉट जोन में जाकर ही द प्राइस विल रैली डाउनवर्ड्स।
सो जब भी आपको ये मौका मिले तो आपको यहाँ पर सेल करना है एंड देन द प्राइस विल कंटिन्यू इट्स जर्नी डाउनवर्ड्स। ओके, क्योंकि सीपीआर नैरो है, आई वुड टेक दैट एंट्री, कंसिडर टेकिंग दैट एंट्री। अगर सीपीआर वाइड होता देन आई वुडेंट गो विथ माई सेल एंट्री एज वेल। सो बट दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ओके दैट यू वुड हैव टू फॉलो ऑन। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि प्राइस S1 पिवोट लेवल के भी नीचे खुला है विथ अ मैसिव 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 गैप डाउन। तो अब मैं इंटरेस्टेड हूँ टू टेक अ शॉर्ट एंट्री। अगेन याद रखिए प्राइस प्रिंसिपल, मैंने आपको कहा था अगर पहले 5 मिनट में R1 पिवोट लेवल ब्रेक होता है और प्राइस ऑल थ्रू आउट आधा घंटा एक घंटा ऑल थ्रू आउट द डे अगर R1 पिवोट लेवल के ऊपर ट्रेड करता है तो रेलवे ट्रैक पैटर्न बनकर ही रहेगा। उसी का अपोजिट यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अगर प्राइस S1 पिवोट लेवल के नीचे खुलता है और आधा घंटा एक घंटा S1 पिवोट लेवल से कॉन्स्टेंटली रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ ही गिरता रहता है तो इन सारे दिनों में भी रेलवे ट्रैक पैटर्न डाउन ट्रेंडिंग फॉलिंग रेलवे ट्रैक पैटर्न बन कर ही रहेगा। और इन सारे सिनेरियोज में अगेन द सेम एंट्री यू विल टेक, एक नीचे का जो बेयर ट्रेड है जो फर्स्ट लेग ऑफ प्राइस है उसके बाद में एक करेक्शन है एंड देन यू हैव टू मार्क दिस पर्टिकुलर ट्रिगर कैंडल एंड वेन एवर दिस ट्रिगर कैंडल इज ब्रोकन विथ अ रेड कैंडल डिसाइसिव रेड हेल्दी कैंडल तब आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे एंड देन यू अटेम्प्ट फॉर अ टारगेट ऑफ S3 पिवोट लेवल। So as simple as that. So these are the four conditions that I have written down in the slide as well. So you can look at the slide. So ye tha hamara tarika to create a pre-market bias. Ab chalkar dekhte hai ki hamara indicator kya hai aur apna pre-market bias for tomorrow kya hai. Okay. So this is the new indicator that we have created, that's checkmate future pivots. सो ये इंडिकेटर की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलिए, लिंक पर क्लिक कीजिए, इट विल ओपन अ ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म URL और उस URL में जाने के बाद यू जस्ट हैव टू आई जस्ट शो दैट वन एज वेल टू पीपल। सो जैसे ही आप उस स्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे यू वुड सी यू नो द इंडिकेटर्स दैट वी हैव। तो चेकमेट ट्रेड्स पिवोट एंड गेम ओल्डर वर्जन ऑफ है ऑफ इंडिकेटर है, यू कैन यूज दैट एज वेल, बट आई वुड नाउ लेटेस्ट वर्जन है एंड इट हैज मोर फीचर्स and it is more better, so better stick to this particular one. So aisa URL khulega, you just have to click on the, keep scrolling down aur niche scroll karne ke baad indicator mein kya kya plot kar sakte hai, daily, weekly, monthly, yearly, everything is described over here. You have to click it on add to your favorite indicator. Okay, so you have to click this particular button. इस बटन को क्लिक करने के बाद गो बैक टू योर इंडिकेटर और इस फेवरेट्स के अंदर आपको यू नो चेकमेट ट्रेड्स का फ्यूचर पिवोट का जो इंडिकेटर है 32 यूजर्स हैव यूज्ड इट, सो ये इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। सो ये एक पर्टिकुलर इंडिकेटर जो है इट्स दी अल्टीमेट एंड गेम, मतलब इस इंडिकेटर के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। ओके, सो तीन इंडिकेटर का जो शॉर्टकमिंग था वो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। देयर इज नो रीजन फॉर यू टू बाय द ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन। सो यहाँ पर अगेन आप डी सिलेक्ट करोगे तो डेली, वीक सिलेक्ट करोगे तो वीकली, अगर आप एम सिलेक्ट करोगे तो मंथली और 12 मंथ सिलेक्ट करोगे तो ईयरली, ये सारे पिवोट्स आपको दिखाई देंगे। सो आई एम गोइंग टू प्लॉट डेली ओवर हियर अगेन। सो डेली में यू हैव ऑप्शंस कि नेक्स्ट डे सीपीआर और नेक्स्ट डे कैमरेला प्लॉट करें, वीकली में यू हैव नेक्स्ट वीक सीपीआर नेक्स्ट वीक कैमरेला, मंथली में यू हैव नेक्स्ट मंथ सीपीआर नेक्स्ट मंथ कैमरेला और ईयरली में है शो दिस ईयर सीपीआर एंड दिस ईयर कैमरेला। सो आई कैन चैलेंज यू, देर इज नो अदर इंडिकेटर अवेलेबल ऑन ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म दैट गिव्स यू दीज मेनी स्टडीज इन वन। एटलीस्ट 12 मंथ का तो कहीं पर मैंने देखा नहीं है, प्लस देर इज नथिंग दैट गिव्स यू नेक्स्ट वीक सीपीआर एंड नेक्स्ट मंथ सीपीआर नेक्स्ट मंथ कैमरेला नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट वीक कैमरेला। सो ऑल ऑफ दिस इज ओवर हियर। तीन SMS आपको मिलती है रेलवे ट्रैक पैटर्न के लिए। इस स्टडी के अलावा याद रखिए इस YouTube चैनल के बहुत सारे YouTube चैनल गाइज होते हैं, थोड़ी सी बिचिंग कर लेते हैं, जो हर वीक आपको एक नई स्ट्रैटर्जी बताते हैं विद नया इंडिकेटर के साथ। ऐसे सारे YouTube चैनल्स को आपको आज के आज अनसब्सक्राइब कर देना है फॉर योर ओन गुड। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे देखिए, लेकिन टेक वन थिंग, एक रास्ता पकड़िए और उस रास्ते के ऊपर पूरी शिद्दत के साथ चलिए। यू विल, आपको आपकी मंजिल मिलकर रहेगी। इफ़ देर आर यूट्यूबर्स आर गिविंग यू डिफरेंट स्ट्रैटेजीज विद डिफरेंट इंडिकेटर्स एवरी वीक, मतलब दे देमसेल्व्स डोंट हैव वन थिंग दैट वर्क्स, दैट प्रूव्स वन थिंग। ऊपर से एनी इंडिकेटर इस चैनल के ऊपर अदर देन द फ्लोर पिवोट्स कैमरेला CPR और रेलवे ट्रैक पैटर्न के अलावा आपको कुछ भी नहीं सीखने मिलेगा। और इन
चार इंडिकेटर, दो इंडिकेटर्स को लेकर, फ्लोर पिवोट्स और कैमरेला को लेकर मैं आपको हर ट्रेडिंग स्टाइल को सक्सेसफुली ट्रेड करने का पूरा नॉलेज और पूरा प्रूफ विद बैक टेस्टिंग आई कैन गिव यू. देर इज नथिंग मोर दैट यू नीड टू रिलाई ऑन. सो प्लीज गेट अवे, स्टे अवे फ्रॉम एवरी पॉसिबल इंडिकेटर. टेक दिस वन स्टडी एंड आई एम विथ यू टू हेल्प यू आउट. सो नेक्स्ट डे का सीपीआर और नेक्स्ट डे का कैमरेला यहाँ पर मैं प्लॉट कर लेता हूँ. सो वी विल गेट बोथ द स्टडीज ओवर हियर. और अब हम देखते हैं क्या है हमारा प्री मार्केट बायस फॉर टुमारो. नाउ आफ्टर अ पर्टिकुलर रैली, यू रिमेंबर दैट, अगर इतनी बड़ी रैली मिल चुकी है, सो ऑन ऑन आफ्टर सच अ बिग रैली, उसके बाद का जो सीपीआर होगा वो हमेशा वाइड ही होगा. उसके बाद का जो कैमरेला L3 और H3 का जो गैप है वो वाइड ही होगा. उसके बाद का जो दिन है वो मोस्ट प्रोबेबली 90% ऑफ द टाइम साइडवेज ही होगा. ओके, सो आफ्टर अ बिग रैली, हर अगर प्रीवियस दिन R3 पिवोट लेवल भी ब्रीच हो गया है, तो ऑन सच डेज इट्स बेस्ट टू स्टे आउट ऑफ द ट्रेड, टू टेक अ ब्रेक. इट्स वेरी एसेंशियल एंड वेरी हेल्दी एज वेल. सो डू नॉट ट्राई टू गेट इन टू रैंडम ट्रेड्स. सो दिस इज वन स्टडी एज वेल. तो प्री मार्केट बायस, अगेन द सेम थिंग, इट इज एन असेंडिंग सीपीआर. दोनों सीपीआर के बीच में बहुत मैसिव गैप है. सो मेरा प्री मार्केट बायस कभी नहीं बदलेगा. ओके, बट देर इज अ बैकग्राउंड थिंग दैट आई नो इन माई माइंड कि द नेक्स्ट डे कैन बी अ साइडवेज डे. सो आई हैव टू बी प्रिकॉशियस. अगर आज मैंने चार लॉट्स के साथ काम किया है तो शायद कल मैं सिर्फ एक या दो लॉट के साथ काम करूंगा. तो दैट्स दैट्स द ओनली थिंग. अदरवाइज प्री मार्केट बायस में कोई बदलाव नहीं है. अगेन द सेम थिंग विल हैपन. अगर R1 पिवोट लेवल के नीचे प्राइस खुलता है लेकिन सीपीआर के ऊपर प्राइस खुलता है, आई विल वेट फॉर द प्राइस टू टच द सीपीआर. ओके, एंड देन द प्राइस विल कंटिन्यू इट्स जर्नी अपवर्ड्स. अगर प्राइस R1 पिवोट लेवल के ऊपर खुल जाता है, देन एवरीथिंग दैट आई हैव सेड अबाउट मे बी टुमारो इज अ साइडवेज इज कम्प्लीटली बुलशिट. मे बी कल का भी दिन ये रैली कंटिन्यू रहेगी एंड यू नो रेलवे ट्रैक पैटर्न विल कंटिन्यू टू फॉर्म एंड द प्राइस विल कीप ट्रेडिंग अपवर्ड्स. बट कल, आज अगर प्राइस ने 20 SMA को एक बार भी टच नहीं किया है, सो कल अगर प्राइस 20 SMA को डेफिनेटली टेस्ट करेगी. उसी के साथ साथ आज का सीपीआर भी प्राइस ने टेस्ट नहीं किया है, मतलब कल सीपीआर टेस्ट करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा. सो ये सारी चीज़ें भी आपको समझनी ज़रूरी है. अगर सीपीआर के नीचे प्राइस खुलता है तो देन आई विल ओनली वेट फॉर द यस्टरडे सीपीआर. तो यूजुअली क्या होगा, S1 पिवोट लेवल के ऊपर अगर प्राइस खुलेगा तो इट विल टेक सपोर्ट एट द सीपीआर एंड यू नो स्टार्ट कंटिन्यू इट्स जर्नी डाउनवर्ड्स. अगर S2 पिवोट लेवल के नीचे प्राइस खुलता है, देन रेलवे ट्रैक पैटर्न वाली एंट्री हमारी एक्टिवेट हो जाएगी. ये जो RTP है दैट विल टर्न इट सेल्फ मैसिवली और 20 SMA इस यहाँ पर आ जाएगा, 50 SMA यहाँ पर आ जाएगा एंड देन द प्राइस विल कंटिन्यू ट्रेलिंग डाउनवर्ड्स. आपको लो को मार्क करना है. फर्स्ट स्विंग, फर्स्ट लेग का जो लो है, जो पहला 15 मिनट का, 20 मिनट का जो लो है, अभी ये हाई मैंने कैसे मार्क किया, जिस भी हाई के बाद करेक्शन आता है वो हाई हमारे लिए रेलेवेंट है, वो हाई हमारे लिए ट्रिगर कैंडल बन जाता है. सो ये दो तीन कैंडल्स का क्रिएशन होने के बाद आई डिसाइड दिस टू बी माई ट्रिगर कैंडल, और तब मैं डिसाइड. सो आई डोंट नो इफ दिस इज माई ट्रिगर कैंडल अंटिल द करेक्शन एस्टैब्लिशेस इट सेल्फ, अंटिल द करेक्शन इज यू नो क्रिएटेड ऑन द चार्ट्स. तो कौन सा लो लेंगे, एक लो के बाद जिसमें आप ऊपर की तरफ करेक्शन आएगा वो लो को आप मार्क करेंगे, उस लो को आप ट्रिगर कैंडल मानेंगे, और जो भी कैंडल रेड कैंडल, रेड कैंडल उस लो को ब्रेक करेगी, क्लोजिंग देगी उस ट्रिगर कैंडल के लो के नीचे, वहां पे आप शॉर्ट करोगे एंड देन यू कैन शॉर्ट द मार्केट. बट अगेन आई वुड से यस्टरडे इज अ वर्जिन सीपीआर. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस टेकिंग अ सपोर्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सीपीआर इज डेफिनेटली हायर. ओके, सो दैट्स द ब्यूटी, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द गेम. अगेन दैट वॉज द प्री मार्केट बायस फॉर बैंक निफ्टी. क्विकली निफ्टी की स्टडी कर लेते हैं. सो भले बैंक निफ्टी में जो हमारा दो पॉसिबिलिटीज थे, राइट, आई सेड देयर आर दिस टू पॉसिबिलिटीज आई एम फोकसिंग ऑन. सो बैंक निफ्टी में फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं हुई थी लेकिन सेकंड सेटिस्फाई हो गई थी. ओके, सो टुडे लेट्स लुक एट निफ्टी. निफ्टी में देखिए क्या हो गया है. सीपीआर जो है वो असेंडिंग सीपीआर है. सो सीपीआर इज सॉर्ट ऑफ नैरो, सम सॉर्ट ऑफ वाइड, बट इफ यू कंपेयर इट विद द सीपीआर फ्रॉम प्रीवियस 2, 3, 4 days, यू वुड से, यू विल डेफिनेटली से कि सीपीआर काफी नैरो है. ओके, एज कंपेयर टू एटलीस्ट द प्रीवियस डे सीपीआर. ओके, देर इज जस्ट अ विजुअल कंफर्मेशन ले सकते हैं हम. देर इज नो मेजरमेंट ऑफ अ सीपीआर बींग नैरो. सो बेसिकली फर्स्ट कैंडल देखिए, अब सुपर गैप अप ओपनिंग है. गैप अप
खुला R1 पिवोट लेवल के नीचे है, लेकिन R1 पिवोट डिसाइसिवली ब्रेक किया है कैंडल ने. सो बेसिकली दैट्स व्हाट हैज हैपेंड. R1 पिवोट लेवल के नीचे कैंडल प्राइस एक्शन है एंड इट विल टेस्ट द सेंट्रल पिवोट पॉइंट, इट विल टेस्ट द CPR. सो दिस इज द बेस्ट एंट्री दैट वी कुड हैव टेकन टू गो लॉन्ग इन निफ्टी. बैंक निफ्टी ने आपको मौका नहीं दिया, इसलिए आपने हाई को मार्क किया और देन यू टुक एंट्री फॉलोइंग द रेलवे ट्रैक पैटर्न. लेकिन निफ्टी ने आपको बेस्ट एंट्री का मौका दिया है, यू शुड नॉट मिस एंटरिंग एट द CPR. बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, छोटा सा अपना स्टॉप लॉस है और बहुत बड़ा टारगेट है. ओके, ऑलवेज अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 इज अ टोटल क्रैप, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. सॉरी गाइज, सो ये हमारा छोटा सा रिस्क है और रिवॉर्ड ऑलमोस्ट R3 पिवोट लेवल तक का हमारा टारगेट है. सो 117 पॉइंट्स का टारगेट है और उसी के अगेंस्ट अगर आप स्टॉप लॉस को देखोगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 10 पॉइंट्स का है. कैन यू इवन इमेजिन, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 120 पॉइंट का हमारा टारगेट. ओके, सो आप खुद ही कैलकुलेशन कर लीजिए. सो बेसिकली दिस इज हाउ इट इज. सो R1 पिवोट लेवल के नीचे प्राइस है फर्स्ट 5 मिनट का, इसीलिए CPR को टेस्ट करना डेफिनेटली एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है और वो होकर ही रहेगा. अगर वो होगा तो ही आप एंट्री लोगे. सो ऑलवेज बाय एट द CPR बिकॉज CPR विल एक्ट एज अ मैग्नेट, अट्रैक्ट द प्राइस डाउनवर्ड्स. प्राइस को अगर सुपर गैप अप ओपनिंग नहीं है, अगर पहले 5 मिनट में प्राइस ने R1 पिवोट लेवल को ब्रेक नहीं किया है, सो इन ऑल दोस केसेस what will happen is break nahi kiya hai to price will rally downwards to test the lows, that is the CPR ek bar test karega, ek bar stock oversold zone mein jayega aur uske baad hi rally upwards ki taraf resume hogi. again railway track pattern all throughout the day intact hai and that could have been an explosive entry for us as well. so that was about nifty and bank nifty, अपना प्री मार्केट एनालिसिस एंड the 4 पॉसिबिलिटीज दैट आई हैव टोल्ड यू. पहले 2 पॉसिबिलिटीज इन विच योर प्री मार्केट बायस इज प्रूवन राइट, आपको उस पर फोकस करना है. अगर आपका प्री मार्केट बायस अगर इट्स प्रूव्ड रॉन्ग, देन यू कैन आइदर टेक अ ट्रेड, बट अगर आप एक्सक्लूसिव यू कैन नॉट टेक अ ट्रेड, बट अगर आप एक्सक्लूसिवली सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो देन यू कैन एक्टिवेट योर प्लान बी एज वेल. सो बोथ विल वर्क. ठीक, so most important of all, let's do the analysis of 5 most successful trades of the day in futures and options. तो सबसे पहले हमारे सामने नवीन फ्लोरिन आ रहा है, जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैंने काफ़ी बार आपको 2 वीक पहले भी नवीन फ्लोरिन और दीपक नाइट्राइट सजेस्ट किया हुआ था. सो नवीन फ्लोरिन हैज़ बिन एन अप ट्रेंड और इन एन अप ट्रेंडिंग स्टॉक यू कुड बाय एट द सपोर्ट. सो बेस्ट एंट्री यू कुड टेक इज येस्टरडे व्हेन इट वॉज टेस्टिंग द S1 पिवोट लेवल. अगर आपने एंट्री आज नहीं ली होगी तो ट्रेंड रिवर्सल CPR जो पैटर्न है जो मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार यूट्यूब पे सिखाया हुआ है, अगर ट्रेंड रिवर्सल CPR फॉर पीपल हैव नॉट वॉच्ड इट, आज का जो CPR है वो CPR जो है वो नीचे है, कल का CPR है वो ऊपर है. मतलब क्या है, अपना प्री मार्केट बायस की प्राइस CPR के नीचे खुलेगा एंड इट विल यू नो ब्रेक डाउनवर्ड्स, लेकिन प्राइस विल सरप्राइज यू, प्राइस विल ट्रैप लॉट ऑफ बेयर्स. ओके, जो लोग ने शॉर्ट एंट्री ली हुई है, प्राइस कल CPR के नीचे बंद हुआ है, आज का CPR जो है वो डिसेंडिंग है, जिन लोगों ने भी शॉर्ट एंट्री ली है उन सबको ट्रैप करके प्राइस विल सरप्राइज देम एंड प्राइस विल स्टार्ट ट्रेडिंग अपवर्ड्स. तो तब कब एंट्री लेना है, जब प्राइस कल के CPR के ऊपर क्लोजिंग दे. याद रखिए ये वाली जो स्ट्रैटेजी है, इट इज सूप, दिस इज अनदर प्राइस प्रिंसिपल, इट डजंट चेंज. और वो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट तब है जब पहले 5 मिनट में, पहले 2 मिनट में इट गिव्स अ क्लोजिंग अबाउट द CPR. सो वो कल के CPR का ही लो टेस्ट करता है, अ वीक पैटर्न, कल का ही जो क्लोजिंग है उसे टेस्ट करके द फर्स्ट 5 मिनट कैंडल गिव्स अ क्लोजिंग अबाउट द प्रीवियस डे CPR. Now this is the best entry you could take and the stop loss is below the previous day CPR. इसी के नीचे यहाँ पर आपको stop loss रखना है and यहाँ पे आपकी entry है and this is the kind of profits you could make. आपके पास अगर patience नहीं है, आप पहले 10-15 मिनट के बाद जो भी आपको red candle मिले 5 मिनट की उसमें आपका आप अपने profits book कर दीजिए. But this strategy is one of the safest strategy you could take. Deepak Nitrite, the same thing. Trend reversal CPR, a closing above the previous day CPR by a green candle can be your entry candle, and then this is the kind of profits you will take. Another is Tata Steel, which is a trade मैंने भी लिया हुआ था.
सो टाटा स्टील इज एन इनसाइड सीपीआर पैटर्न, सो ये स्ट्रैटेजी भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इट्स एन इनसाइड सीपीआर पैटर्न और गैप अप ओपनिंग के साथ R1 पिवोट लेवल के ऊपर सीपीआर इज असेंडिंग, इट इज एन ओवरलैपिंग सीपीआर, लेकिन अगर पिवोट पॉइंट को देखोगे, आई जस्ट रिमूव द ड्रॉइंग, सॉरी सॉरी फॉर दैट, ओके, मैं भगाना नहीं चाहता हूँ, बट देयर आर फ्यू अदर टॉपिक्स दैट आई हैव टू कवर। ये कल का पीवोट पॉइंट है, ये आज का पीवोट पॉइंट है। द सीपीआर जो है वो इनसाइड सीपीआर है, लेकिन जो रिलेशनशिप है वो ओवरलैपिंग हायर सीपीआर की है, ओके, देयर इज अ ओवरलैप बिटवीन द सीपीआर, लेकिन जो कल का पीवोट है और जो आज का पीवोट है, दे आर असेंडिंग इन नेचर, देयर इज अ बुल ट्रेड, देयर इज अ बुल सीपीआर, देयर इज अ हायर सीपीआर। सो इन ऑल दोस केसेस अपना प्री मार्केट बायस है कि प्राइस सीपीआर के ऊपर खुलेगा। अगर R1 पिवोट के नीचे खुलता तो प्राइस डेफिनेटली वुड हैव टेस्टेड द सीपीआर बिफोर रैलिंग अपवर्ड्स, लेकिन प्राइस R1 पिवोट लेवल के ऊपर खुला, अभी तक गैप अप, गैप अप से जो डरा है, गैप अप बेचो जिसने शॉर्ट किया है वो सिर्फ और सिर्फ लॉस करता है, जो 10 बार लॉस करेगा, जिस एक दिन वो प्रॉफिट करेगा वो आके यूट्यूब पे आपको दिखा देगा। बट ऑलवेज गो विद द ट्रेंड, एंड द वन थिंग दैट इज विथ यू फॉर रेस्ट ऑफ योर ट्रेडिंग जर्नी इज द रेलवे ट्रैक पैटर्न। ये रेलवे ट्रैक पैटर्न क्या करता है क्या नहीं करता है से ज्यादा विजुअल कंफर्मेशन गाइस, ये जब चार्ट्स बन जाने के बाद पोस्ट मार्केट एनालिसिस करना बहुत आसान है फॉर एनी वन, फ्रॉम मी, फॉर एनी वन ऑफ अस, बट आई एम टेलिंग यू व्हेन रेलवे ट्रैक पैटर्न इज इंटैक्ट, अगर ये ग्रीन कैंडल के बाद भी आपको आरटीपी दिख रहा है इतना स्ट्रॉन्ग, सो इन ऑल दोस केसेस यू विल मेक एन अटेम्प्ट टू मार्क अ हाई, इस हाई को आप मार्क करोगे, ओके ओके, वेट फॉर अ पुल बैक, और जो भी ग्रीन कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है विल गेट इनटू द ट्रेड, सो दैट विल बी ट्रेड। एंड ऊपर से मैंने मैंने तो गैप अप ओपनिंग के बाद यही पे ट्रेड ले लिया था, सो देर इज अनदर स्ट्रैटेजी एंड अनदर पैटर्न आई हैव टोल्ड थॉट ऑल माय स्टूडेंट्स कि कैसे करना है। अगर पहले 5 मिनट में R1 पिवोट लेवल ब्रेक होता है, S1 पिवोट लेवल ब्रेक होता है, देन यू कैन टेक क्विक एंट्रीज। सो मोर ओवर आई थिंक दिस इज 15 मिनट टाइम फ्रेम, सो मे बी 5 मिनट टाइम फ्रेम इट विल मेक मोर सेंस, ओके। सो दिस इज द 5 मिनट टाइम फ्रेम, पहले 5 मिनट में ही R1 पिवोट लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग हुई है, सो दिस अमेजिंग मूव वॉज बाउंड टू हैपन। आई गेस आई ट्रेडेड टाटा स्टील टूडे टू बुक अराउंड 8,000 रुपीज प्रॉफिट, सो या छोटा सा उसमें प्रॉफिट है। एंड देन अपोलो हॉस्पिटल, सो अपोलो हॉस्पिटल गाइज, मैंने ऑलमोस्ट अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आई हैव यू नो कॉन्ग्रेचुलेटेड एवरी वन, सो दिस इज अपोलो हॉस्पिटल इनसाइड कैमरेला जो था ऑन अ मंथली बेसिस, सो वी ऑल वेर होल्डिंग द ट्रेड एंड वी ऑल वेर हैविंग अ नर्वस ब्रेक डाउन। इवेंचुअली प्राइज ने वो ही किया जो वो हमेशा करता है, अनदर सुपर कॉन्स्टेंट प्राइस प्रिंसिपल, सुपर कॉन्स्टेंट पैटर्न, इसी तरह के सारे पैटर्न्स, एक भी पैटर्न, जो भी लो प्रोबेबिलिटी है, जो भी मिनिमम छोटे मोटे पैटर्न्स, देर इज नथिंग, आई हैव टोल्ड जो भी स्टूडेंट्स क्वेरीज लेकर आते हैं, जो क्योंकि बहुत लोगों से उनको यू नो दे हैव नॉट गॉट व्हाट दे वर लुकिंग फॉर, देर आर टेकन सेवरल कोर्सेज बिफोर, व्हेन पीपल आस्क मी ऑन व्हाट्सएप आई कैन शो यू माई व्हाट्सएप मैसेज, आई टेल यू अगर आपको इस कोर्स में ऐसा कुछ भी सीखने मिला जो किसी और ने सिखाया हुआ है, या फिर ऐसा कोई पैटर्न है जो आपने किसी बुक में पढ़ा हुआ है, कोई स्ट्रैटेजी है जो किसी दूसरे यूट्यूब ट्रेडर ने सिखाई हुई है, मैं आपको ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द फीस आई विल रिटर्न यू द नेक्स्ट डे। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यूट्यूब पर ही हूँ, यू यू कैन यू नो कम कमेंट डू एनी थिंग एवरी थिंग, यू हैव माई फोन नंबर, और मैं कभी आई एम टेलिंग द एंड दिस इज नॉट माई एरोगेंस, दिस इज माई हम्बलनेस एंड दिस इज माई कॉन्फिडेंस इन द स्ट्रैटेजीज। I, without reading and referring and looking at anyone, I have sat lonely in a small room on in a small desktop and I have spent millions of hours on the charts. और सारे strategies मैंने पूरी मेहनत करके सालों सालों तक backtest किए हुए हैं, और मेरे webinar में भी हर strategy के साथ मैं कम से कम 70 से 80 charts I give the back testing in live in front of you by selecting the patterns and stocks right from the scanners, okay, to prove that it works every freaking time. So ये सब तो है ही, so let's get back to I get diverted a bit. So if you go to monthly CPR guys, so monthly CPR में ये था हमारा अपोलो हॉस्पिटल, so this is one trade that has eventually done what it had to do, so that was अपोलो हॉस्पिटल। और अगर आज इंट्राडे CPR को अगर आप देखोगे तो पहले 5 मिनट की कैंडल ने R1 पिवोट लेवल को ब्रेक किया है, इस हाई, ये आपकी ट्रिगर कैंडल होती है क्योंकि इस कैंडल के बाद आपको डीप करेक्शन मिला है, सो आपको इस हाई के ऊपर
आपको यू कैन पुट एन ट्रिगर ऑर्डर एज वेल एंड यू गेट इन टू द ट्रेड एट दिस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल, स्टॉप लॉस इज बिलो द लो ऑफ दिस कैंडल एंड इवेंचुअली दिस आर द काइंड ऑफ मूव्स यू कुड एंजॉय. नथिंग विल एवर चेंज. सीपीआर असेंडिंग है, R1 पिवोट लेवल के नीचे प्राइस खुला है, मतलब सीपीआर टेस्ट होकर रहेगा. पहले कैंडल ने ही सीपीआर के लोस को टेस्ट किया है. इन दैट केस यू शुड ट्राई टू बाय एट द सीपीआर. सो यू बाय एट द सीपीआर, यू एंजॉय द रैली ऑल थ्रू आउट द डे अपवर्ड्स. ओके, सो दीज आर द फाइव बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स ऑफ द डे. दिस वॉज द अमेजिंग प्रिंसिपल दैट आई वॉन्टेड टू टीच यू अबाउट असेंडिंग सीपीआर एंड हायर सीपीआर. और उसी के साथ साथ बहुत सारे प्राइस प्रिंसिपल्स, बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारी एंट्रीज, एग्जिट्स और टारगेट्स दैट यू कुड अचीव. होप दिस वीडियो विल असिस्ट ऑल यू गाइज टू बी अ कॉन्फिडेंट इंट्राडे ट्रेडर. दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. देर आर मोर एपिसोड्स कमिंग फॉर एवरी वन ऑफ यू, फ्री ऑफ कॉस्ट. देर इज नो ऑब्लिगेशन एट ऑल. और प्लीज डोंट टेक इट लाइटली, डू प्रैक्टिस देम. आपके पास कोई कंसर्न है, कोई डाउट है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. यू कैन एक्सप्लॉइट मी, यू कैन आस्क मी. बट प्लीज, देर यू नो एवरी क्वेश्चन इज वर्थ आस्किंग, बट नॉट एवरी क्वेश्चन इज वर्थ एंसरिंग. सो विथ ऑल माई हम्बलनेस, आई एम अवेलेबल फॉर ऑल यूर क्वेश्चन. ओके, कम विथ एन ओपन माइंड एंड विथ एन एम्प्टी ग्लास. ओके, वो बहुत जरूरी है. तो ग्लास अगर भरा हुआ रहेगा तो आई कैन नॉट एड एनी थिंग ऑन टॉप ऑफ इट. सो कम विद एन एम्प्टी ग्लास. आई विल गिव यू द स्ट्रैटेजीज इवन फ्रॉम माई कोर्स, यू नो, फॉर फ्री, इफ यू आर अ रियली जेन्युइन पर्सन हु वॉन्ट्स टू लर्न. सो डू कॉन्टैक्ट मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल. सो आई गेस आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ इट. सो अब वापस एक बार मिलते हैं किसी और स्ट्रैटेजी के साथ और इसी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड सी यू ऑन द अदर साइड सून. चीयर्स. थैंक्स. बाय.